नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। यकीनन खुश होंगे आप लोग और साथ में प्रश्न चिन्ह भी उठाएंगे रेलवे भर्ती बोर्ड पे। रेलवे बोर्ड पे आप कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह इसलिए भी उठाएंगे कि अगर इतनी सीटें वैकेंट हैं तो वैकेंसीज इतनी कम क्यों है। दो चीजें हैं, या तो मैं इस आरटीआई का इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये समझूं कि वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं, और अगर वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं तो क्या आप पहले हमें शौक देके फिर हमें खुशी देने की आदत बना ली हो, जैसे एएलपी में दिए, जैसे टेक्नीशियन में दिए, या फिर ये केवल क्या है, ये केवल डेटा है, आप जानबूझ के हमें वैकेंसी नहीं देना चाह रहे। तो आरटीआई के डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए, ये हालांकि कहां का है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट इन इंडियन रेलवे ऑल ओवर डिपार्टमेंट ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात आ रही है। ग्रुप सी की बात करूं, लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर, लेवल फाइव तक आपके क्या होते हैं, ग्रुप सी में ही आते हैं, और जो ग्रुप डी है वो आपका क्या आता है, लेवल वन में आता है। इन्होंने ये बोला है कि 17,975 वैकेंसी ग्रुप सी में केवल खाली हैं, वो भी केवल नॉर्दर्न रेलवे से। मतलब ऑल ओवर हम लोग की बात करें तो ऑल ओवर में अगर केवल एक नॉर्दर्न से, तो नॉर्दर्न हो गया, साउदर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, साउथ ईस्टर्न हो गया, साउथ वेस्टर्न हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न हो गया, साउथ ईस्ट कोस्टल हो गया, साउथ ईस्टर्न फ्रंटियर हो गया, इतने सारे आपके जोन हैं, सबको मिला लिया जाए तो मतलब वैकेंसी 35-40 हजार से ज्यादा है ग्रुप सी की। तो फिर जब इतनी ज्यादा वैकेंसी वैकेंट है तो आपने लेवल टू जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले पोस्ट में है, इतनी वैकेंसी कम क्यों दिए, और लेवल सी में इतनी वैकेंसी अगर आपके पास है। ये केवल नॉर्दर्न रेलवे की बात कर रहा है, 17,975, ऑल ओवर की बात नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये केवल ओवर द, ये क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ वैकेंट इन इंडिया रेलवे ऑल ओवर द डिपार्टमेंट ग्रुप सी एंड डी, वो टोटल वैकेंसीज इन नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे में बताया है फॉर ग्रुप सी, यानी कि बाकी में और भी ज्यादा होगा। ये क्या है, एक आरटीआई है, 22/9/2024 की आरटीआई है, आप इसे देखेंगे और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सारी चीज समझेंगे। अगर मैं केवल नॉर्दर्न की बात करूं, मैं भी आपको बता दूंगा, सारे कोर्स के बारे में बच्चे पूछते रहते हैं कि कोर्स परीक्षा प्लस में मिनिमम प्राइस भी इस समय चल रहा है, आज लास्ट डेट है 199, कल फीस आपकी बढ़ जाएगी। पहले इसके देख लेते हैं कि जैसे आपको मैं केवल अगर नॉर्दर्न कोर नॉर्दर्न की बात करूं तो आपका चंडीगढ़ हो गया, अगर केवल नॉर्दर्न की बात करें तो जम्मू श्रीनगर हो गया। अगर हम केवल केवल मतलब कोर नॉर्दर्न की बात करें तो क्या केवल दो ही जोन में आपके 17,000 हैं? चलो मैं आपका नॉर्थ वेस्टर्न ले लेता हूं, नॉर्थ सेंट्रल ले लेता हूं, जैसे अलाहाबाद इसी में आ गया, अजमेर इसी में आ गया, हम लोग यहां पे चंडीगढ़ की बात कर ले, गोरखपुर की बात कर ले, जम्मू की बात कर ले, इन सारे जोन की बात कर ले, देखा जाए तो एनटीपीसी में इन्हीं जोन में वैकेंसीज क्या है, इन्हीं जोन में वैकेंसीज कम दिए गए हैं। कुछ में चलो एक दो जगह जैसे चंडीगढ़ हो गया, कहीं पे एक दो जगह देखने को मिली है, लेकिन और भी जगह देखें तो वैकेंसीज यहीं पे कम दिया गया है। और अगर ये 17,000 वैकेंसी किसमें की है, केवल ग्रुप सी में एनटीपीसी में है, तो भाई आप फिर क्यों वैकेंसीज नहीं दे रहे हो। साथ में ग्रुप डी में भी 11,990 है, अगर सारे जोन का देख लिया जाए तो ग्रुप डी की वैकेंसी 60-70 हजार से ऊपर जा सकती है वैकेंट सीटों में, बट ये सीटें नहीं दे रहे, तो ये बड़ा प्रश्न है। तो क्या करना चाहिए, एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा। हालांकि मैं आपको इतना बता दे रहा हूं, दो पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसके, ऐसा हो सकता है वैकेंसी बढ़े, इन्होंने एएलपी में बढ़ाया, इन्होंने टेक्नीशियन बढ़ाया, लेकिन तभी बढ़ेगी जब आप इसके लिए आवाज उठाओगे। तो आवाज उठाने का मेरा मतलब समझ गए होगे तो मुझे कमेंट में बता देना कि हाँ मैं किधर की तरफ जा रहा हूं। बाकी आप लोग में से आपको बता दूं कि आज बेटा ऑफर का अंतिम दिन था, रेलवे के सारे बैचेस जो थे मात्र 199 में चल रहे थे, आज के बाद रात्रि 12 बजे से ये फीस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इस चीज को आप लोग नोटिस किए रहेगा, अब समय ज्यादा नहीं बचा है। तो मेरा बताने का मतलब ये कि कल जब बच्चे जो खरीदें तो ये ना बोले कि सर अब तो फीस महंगी कर दिए, वो नोटिस में कल से ही आपको बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि जैसे बहुत बेहतर तरीके से तैयारी स्टार्ट की जा रही है, और मैं ऐसे हजारों बच्चों को आभार प्रकट करना चाहूंगा जो टीम परीक्षा प्लस से जुड़े हैं, विश्वास जताए हैं, और आपके विश्वास का एक एक अंश मैं आपके सिलेक्शन में बदल के दिखाऊंगा। मैंने खुद आज कॉलिंग टीम को लगा दी है कि जो बच्चा सीरियस ना हो उसका फीस रिफंड कर दो, उसे आप बाहर कर दो, क्योंकि परीक्षा प्लस का इस बार रेलवे में सिलेक्शन रेशियो 80% से ज्यादा चाहिए। जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा ऑब्वियस सी बात है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो केवल आपका नुकसान नहीं होगा, मेरा भी नुकसान होगा। ये कहेंगे कि ये लोग सस्ते बैच निकाले थे, इन्होंने सिलेक्शन नहीं दे पाए, तो हम उन्हें आज ही ना फीस रिफंड कर दें, हम उन्हें आज ही हटा देंगे। मेरे पास बहुत बच्चे होंगे लेकिन मैं केवल 80% के नीचे अपना टारगेट नहीं फिक्स करूंगा। अगर आप मुझसे जुड़े हो तो सिलेक्शन आपको लेना पड़ेगा, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन नहीं लेना है, मेहनत नहीं करना है, तो मत जुड़िए।
और चाहते हो कि नहीं किसी भी साम दाम दंड भी लगा के सिलेक्शन लेना है, तो टीम परीक्षा प्लस आपके लिए मोस्ट वेलकम कर रहा है। सारी लाइव क्लासेस, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस उनकी, सारे क्लास नोट्स जो आपके क्लास नोट्स हैं, सारे हैंड रिटन नोट्स होंगे, सारे के सारे आपके बुकलेट जो प्रिंटेबल नोट्स हैं वो मिलेंगे आपको। ये सारी ई बुक, ये परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे, आप पेज में जाओगे तो ये आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में टाइम टेबल, साइंस की क्लासेस, मैथ्स, ये पीडीएफ नोट्स में आपको सारे नोट्स मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जो आपको अतिरिक्त किताबें चाहिए होती वो भी भटकना नहीं पड़ेगा, ये सब परीक्षा प्लस में ई बुक सेक्शन में सब कुछ मिल जाएगा। तो एक ऐसा ऐप, एक ऐसी संस्थान जो रेलवे के सामदान दंड भेद लगा दिए, जो हर चीज आपको अवेलेबल करा रही है, वो भी इतने कम शुल्क में। आप लोगों ने विश्वास जताया है, आप सारे बच्चों का बहुत बहुत आभार। जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम, टीम परीक्षा प्लस आपके साथ है, आपके साथ थी, आपके साथ रहेगी। हमारा एक उद्देश्य कल सिलेक्शन कराना, और इसको मेन ये है कि वैकेंसीज हैं, बढ़ सकती है, ये मत निराश होइए कि भाई वैकेंसीज कम है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर क्या वैकेंसी बढ़ेगी, जोन चेंज करने का मौका मिलेगा? हाँ भाई, एएलपी में भी मिला, टेक्नीशियन में भी मिला, इसमें भी जोन चेंज करने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए चिंता मत करिए, अभी जो चेंज जिससे डालना उससे डाल दीजिए। मैंने आपको जोन सिलेक्शन के सारे वीडियो बना दिए। इस सेशन में बस इतना ही, फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी का।